गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन आर सी आई एजुकेशन सेंटर। इन दिस चैनल वी आर प्रोवाइडिंग बेस्ट एजुकेशन टू यू ऑल। सो एज पर प्रीवियस वीडियो यू ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट नाइन्थ क्लास चैप्टर सेकेंड। इन फर्स्ट वीडियो यू टॉक्ड अबाउट द ग्रेट हिमालयस एंड फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, बट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट नेक्स्ट कंटेंट विच आर रिमेनिंग इन योर चैप्टर। So in this video we are starting with the peninsular plateau. The plateau is very important in our physical features of India because it's covered 16 lakh square kilometer total area. So let's start to this video. In this video we are starting with मालवा प्लेट्यूज। सबसे पहले जब इस वीडियो को हम स्टार्ट करें तो जो आपका जो डिस्कशन करना है वो मालवा प्लेट्यू से आप डिस्कस कर रहे हैं। तो मालवा प्लेट्यू की अगर बात की तो मालवा प्लेट्यू आपके सेंटर में है और ये वेस्ट साइड की अगर बात की तो वेस्ट साइड में वाइडर है और नॉर्थ साइड की अगर बात की तो नॉर्थ साइड में ये नैरो है और इसको ही सेंट्रल हाईलैंड बोला गया है। इसको सेंट्रल हाईलैंड इसलिए बोला गया है तो क्योंकि ये सबसे बीच में है और ये ऊंचा उठा हुआ प्लेटू है। इस प्लेटू की वजह से इसको मालवा प्लेटू बोला गया। दूसरी चीज़, इस मालवा प्लेटू की अगर आप बात करें तो मालवा प्लेटू से नीचे अगर साउथ डायरेक्शन की बात करें तो मालवा प्लेटू से नीचे आपको नर्मदा रिवर दिखाई देगी और नर्मदा रिवर के नीचे ही सतपुरा रेंज है और सतपुरा रेंज के साथ ही यहाँ पे लगी हुई है विंध्याज रेंज। मालवा प्लेटू के साथ की अगर बात करें जैसे इधर वाली जो डायरेक्शन आती है आपकी ईस्ट, तो ईस्ट डायरेक्शन की अगर बात करें तो ईस्ट डायरेक्शन में आपको बुंदेलखंड और बघेलखंड आपको देखने को मिलेगा और उसे थोड़ा सा आगे चलेंगे तो छोटा नागपुर का प्लेटू भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, जैसे कि आप अपने मैप में देख सकते हो। ओके, उसके साथ साथ अगर बात करें तो पेनिनसुलर प्लेट्यू, पेनिनसुलर प्लेट्यू जो आपका जो डायग्राम या जो मैप आपको दिख रहा है, इस मैप को पूरे को पूरे को आप समझ रहे हैं, इसमें आपका कंटिन्यू हो जाएगा कि पेनिनसुलर प्लेट्यू किस तरह से इफेक्ट करता है, पेनिनसुलर प्लेट्यू में क्या क्या चीज़ें हैं और क्या किस तरह से आपको इसको समझना है। ये दोनों चीज़ें हो जाएंगी क्योंकि मैप भी इसी से बेस्ड होता है और मैप बेस्ड होने के साथ साथ में आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें आने वाली है। तो मैं आपको थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों चीज़ें आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। सो स्टूडेंट्स, यू हैव टू give your full concentration because it's also came in your exam. So this is a very important for your examination. मैप भी यहाँ पे क्लियर होने वाला है और आपका थ्योरी जो पार्ट है वो भी आपके क्लियर हो रहा है। उसके बाद करते हैं ये सेंट्रल हाईलैंड के बाद में जो आपका जो सेकेंड सेक्टर आता है या सेकेंड सेगमेंट आता है इसी मैप में वो आता है डेकन प्लेटू। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डेकन प्लेटू इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपका जो साउथ वाला पार्ट है इसमें ट्रायंगुलर शेप मैंने बना रखा है। ट्रायंगुलर शेप में ये सारा सारा एरिया कवर करता है और कवर करने के साथ साथ में आपको किस तरह से इसको आइडेंटिफाई करना, तो आइडेंटिफाई करने के लिए मैंने आपको जैसे यहाँ पिक्चर बना रही है, आपको मैंने यहाँ पे जो मैप बना के दिया है, मालवा प्लेटू है, नर्मदा रिवर है, सतपुरा रेंज है, विंध्याज रेंज है, उसके नीचे वाला जो एरिया है वो डेकन प्लेटू का है। तो डेकन प्लेटू का जैसे कंटिन्यू बात करें तो जो डेकन प्लेटू है इसके दोनों डायरेक्शन की बात करें, पहले क्या था ये तो नॉर्थ डायरेक्शन हो गया जो अपर पार्ट वाला, जो अपर पार्ट मैंने आपको सब कुछ बता दिया है, और ये हो गया साउथ वाला पार्ट। साउथ वाला पार्ट को जैसे ट्रायंगुलर शेप में बनाया तो ट्रायंगुलर शेप का नॉर्थ साइड ये हो गया, ठीक है, साउथ साइड ये हो गया जिसमें आप इंडियन ओशियन की बात करते हो, मैंने यहाँ पे लिख देना होता है ये लो, ये इंडियन ओशियन हो गया। उसके साथ अगर बात करें वेस्ट साइड, वेस्ट साइड में यहाँ पे नहीं लिखा तो मैं अभी लिख देता हूँ, ये अरेबियन सी वाला साइड हो गया, और अगर बात करें इधर वाली तो ये वाली साइड हो गई ईस्ट साइड, तो ईस्ट साइड में आपको क्या लिखेगा, क्या मिलेगा, बे ऑफ बंगाल। तो आपको हम कह सकते हैं कि ये तीनों ओर से पानी से कवर है, ये अपना सब कॉन्टिनेंट हो गया बिकॉज इट्स कवर्ड विद थ्री साइड ऑफ वाटर। ओके, डेकन प्लेटू की आगे बात करें तो डेकन प्लेटू वाला जो ये वाला जो पार्ट है, कौन सा पार्ट है ये, कौन सी साइड में आ गया, वेस्ट डायरेक्शन में, तो वेस्ट डायरेक्शन में आने वाला जो पार्ट है इसको वेस्टर्न घाट बोला गया। इस वाले पार्ट को आप वेस्टर्न घाट बोलोगे, तो वेस्टर्न घाट बोलोगे तब इसकी जो मीटर है या इसकी हाइट है वो आप बता सकते हो कि 900 टू 1100 मीटर इसकी हाइट है और इसका जो स्लोप है वो हायर स्लोप है। कैसा स्लोप है इसका, हायर स्लोप। इसके अपोजिट डायरेक्शन की अगर बात करें तो ये वाला जो डायरेक्शन आ रहा है जिसको ईस्ट साइड की बात की गई है, तो ईस्ट वाली साइड में आप कह सकते हो इस वाले पार्ट को जो मैंने यहाँ पे बना रखा है इसको बोलते हैं आप ईस्टर्न घाट। तो ईस्टर्न घाट की जो हाइट है वो है 600 किलोमीटर। ओके, बट इट विल बी डिवाइडेड इन टू, ये वाला जो नॉर्थ सॉरी ईस्टर्न पार्ट है या ईस्टर्न घाट, इसको दो भागों में डिवाइड कर दिया गया, ये वाला और ये वाला। इस वाली लाइन को आप बोलोगे नॉर्थन सरकार, क्या बोलोगे इसको, इस वाली चीज को बोलते हैं आप यहाँ पे नॉर्थन सरकार। साथ साथ में अगर बात करिए ये वाली चीज, तो इस वाली चीज पे अगर बात कर रहे हो ये वाली चीज को, तो यहाँ पे जो ये कोस्ट लाइन एरिया है, तो इस कोस्ट लाइन एरिया को बोलते हैं आप मालाबार कोस्ट। क्या बोलोगे, मालाबार कोस्ट। समझ नहीं आ रहा, वीडियो को पॉज कर करके आराम से देख लेना, और जो चीज़ समझ नहीं आ रही तो वापस से इसको बैक में जाके वीडियो में वापस से समझ लेना।
इसलिए मैं धीरे धीरे बता रहा हूँ। ओके, आगे बात करते हैं कि ये वाला जो कोस्ट लाइन एरिया है, इस कोस्ट लाइन एरिया को बोलते हैं आप कोरोमंडल। मैंने लिखा है यहाँ पे कोरोमंडल कोस्ट, यहाँ पे लिख दिया है। चलो आगे और बात करते हैं कि इसमें और इसमें कौन कौन से हिल एरिया आपको मिलते हैं। तो अगर बात करें इसके साथ ही सबसे नीचे वाला जो हिल्स एरिया है उसको नीलगिरी बोल दिया है, नीलगिरी हिल्स मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, अगर बात करें, चलो एक साइड पहले क्लियर कर लेते। तो एक साइड क्लियर करने में सबसे पहले आपको आ गया ये वेस्टर्न घाट हो गया, ये इधर वाला कोस्ट हो गया, मालाबार कोस्ट हो गया, इधर ये आपको मिलती है वो नीलगिरी हिल्स मिलती है, उसका बाद में यहाँ पे स्लोप इसका हाई स्लोप है। ठीक है, अरेबियन सी भी आपको इधर में मिलने को मिलेगा, साथ साथ में ये वाली जो रिवर है वो कृष्णा रिवर भी आपको इधर मिलेगी। ये वाला पोर्शन कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं ईस्टर्न घाट की। ईस्टर्न घाट की अगर बात करें तो ये वाला जो स्लोप है इसको ईस्टर्न घाट बोलते हैं, इसकी हाइट मैंने आपको यहाँ पे बता दी। इधर आपको बे ऑफ बंगाल मिलेगा, इधर अरेबियन सी मिलेगा। ओके, उसके बाद करते हैं इस वाले कोस्ट को क्या बोलेंगे, कोस्ट को बोलेंगे कोरोमंडल कोस्ट। ठीक है, उसके साथ साथ में नीचे नीचे क्या होता है, इंडियन ओशियन। वो इंडियन ओशियन मैंने यहाँ पे लिख दिया, बस एक चीज आती है यहाँ पे। आप बात करते हैं डाउनवर्ड टू अपवर्ड, बात करते हैं डाउनवर्ड टू अपवर्ड। सबसे पहले आपको मिलेगी जो मिलेगी जवादी हिल, उसके ऊपर मिलेगी सेवरोय हिल्स। जवादी हिल्स हो गया, सेवरोय हिल्स हो गया, उसके बाद में हमारे यहाँ पे जो हाई पिक्स होती हैं उसमें अन्नामुड़ी होगी। अन्नामुड़ी की आज अगर हाइट की बात करें तो 2695 मीटर से इसकी हाइट हो गई। उसके ऊपर आती है दोडा बेटा, इसकी अगर हाइट की बात करें तो 2637 मीटर मैंने यहाँ पे लिखा हुआ, मर्ज किया हुआ, मैंने मेंशन पहले कर दिया है। उसके बाद में महेंद्रगिरी आती है, तो महेंद्रगिरी की अगर हाइट की बात करें तो मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ 1501 मीटर इसकी है, और कोरोमंडल मैंने आपको बता दिया था। साथ साथ एक चीज़ और भी बताई थी, ईस्टर्न घाट को जब बात करते हैं तो इसको टू सेक्शन में डिवाइड किया था, ये वाला और ये वाला। ये वाले सरकार, इस वाले पार्ट को बोलते हैं आप नॉर्थन सरकार। तो नॉर्थन सरकार के साथ साथ में ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई। एक चीज़ मैंने बताई थी, यहाँ पे हायर स्लोप है और यहाँ पे कौन सा स्लोप है, जेंटल स्लोप। सो स्टूडेंट्स आगे बात करते हैं कि ये जो ईस्ट वाली साइड डायरेक्शन है, इस ईस्ट वाली डायरेक्शन की अगर बात करें तो इसमें आपको कुछ रिवर्स भी आपको मिलेंगी, जैसे महानदी हो गया, दामोदर हो गया, और उसके बाद में महानदी और दामोदर रिवर तो आपको मिलती ही मिलती है। इसके साथ साथ में कुछ हिल्स भी आपको मिलेगी, वो कौन कौन सी, महादेव हिल्स मिलेगी, कैमूर हिल्स मिलेगी और मैकल हिल्स मिलेगी। साथ साथ में अगर बात करें कि ये जो ईस्टर्न पार्ट है, ये ईस्टर्न पार्ट किससे अटैच्ड है, वो है मेघालय। मेघालय के साथ साथ में आप लिखोगे खरबी, अनलोंग प्लेटू, ये भी इसके साथ साथ में अटैच्ड है। ठीक है, उसके साथ साथ अगर बात करें कि ये जो डेक्कन प्लेटू है, डेक्कन प्लेटू के अपर लिफ्ट वाले पार्ट में कौन कौन सी हिल्स यहाँ पे आती है, तो यहाँ पे गारो हिल्स आती है, खांसी हिल्स आती है, और जैंतिया हिल्स भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। कहने का मीन यहाँ पे ये हो गया कि इस डायग्राम की हेल्प से, इस मैप की हेल्प से आपका ये पेनिनसुलर प्लेटू कंप्लीट हो गया। एक छोटी सी जो चीज़ बच गई थी वो आपको मैं बता देता हूँ। अभी आप ये देख रहे होंगे कि ये वाला चीज़ क्या है, ये मालाबार प्लेटू है। मालाबार प्लेटू के साथ साथ में ये जो राजस्थान वाला जो एरिया से अटैच्ड होता है, इसमें आपको ये चार पाँच रिवर आपको देखने को मिल जाएगी राजस्थान में। चंबल रिवर हो गया, सिंध रिवर हो गया, बेटवा रिवर हो गया, केन रिवर हो गया। साथ साथ में उसी के आगे आपको अरावली रेंज भी अपने को देखने को मिलेगी। ओके स्टूडेंट्स, उसके साथ साथ में मैंने एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे जो डेक्कन प्लेटू है, इस डेक्कन प्लेटू को यहाँ पे जो मिलने वाली जो सॉइल है वो ब्लैक सॉइल होती है। इसके लिए इसको ब्लैक सॉइल वाला एरिया कह सकते हैं या डेक्कन ट्रेप वाला एरिया कह सकते हैं। इसको डेक्कन ट्रेप कह सकते हैं या डेक्कन ट्रेप न करके ब्लैक सॉइल कह सकते हो। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस एरिया इज ऑल्सो नोन एज डेक्कन ट्रेप और ब्लैक सॉइल। ओनली ऑन वन सॉरी देयर आर टू रीजन, दैट्स वाई इट्स नोन एज ब्लैक सॉइल और डेक्कन ट्रैप एरिया। वॉट इज द रीजन ऑफ विच इज द रीजन बिहाइंड इट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, यहाँ पे जो वैल्कनिक इरप्शन होता है, उस वैल्कनिक इरप्शन की वजह से यहाँ पे जो डस्ट पार्टिकल या उसके आयरन पार्टिकल होते हैं उसकी वजह से यहाँ पे ये जो ब्लैक सॉइल होती है वो ब्लैक हो जाती है। या इसको हम और सिंपल में कहें तो वैल्कनिक इरप्शन होते हैं, तो वैल्कनिक इरप्शन की वजह से यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है, उसकी वजह से भी हम कह सकते हैं वहाँ की मिट्टी काली होती है। ओके, सेकेंड वन, यहाँ पे जो इग्नियस जो रॉक्स है, उस इग्नियस रॉक की जो पार्टिकल की वजह से भी ये वाला जो पार्ट है ये डेक्कन ट्रैप में ब्लैक सॉइल मिलती है। सो स्टूडेंट्स, ये इस वीडियो में आपके लिए जो पेनिनसुला प्लेटू है वो कंप्लीट हो गया, जिसमें वेस्टर्न घाट कंप्लीट हो गया, ईस्टर्न घाट कंप्लीट हो गया, मालाबार प्लेटू कंप्लीट हो गया, छोटा नागपुर प्लेटू कंप्लीट होगा, सेंट्रल हाईलैंड कंप्लीट हो गया, और उसके बाद में जितने भी जो आपके वेस्टर्न घाट ईस्टर्न घाट में आपके जो कोस्ट हैं वो भी कंप्लीट हो गई, इंडियन ओशियन कंप्लीट हो गया, अरेबियन सी कंप्लीट हो गया, बे ऑफ बंगाल कंप्लीट हो गया। कहने का मीन हो गया ऑल ओवर कंप्लीटेड इन पेनिनसुला प्लेटू। सो इन दिस वीडियो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इन नेक्स्ट वीडियो वी आर टॉकिंग अबाउट रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। थैंक यू, दैट्स ऑल।